हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं टेंस, और अभी फ़िलहाल हम लोगों ने सात वीडियो अपलोड हो चुकी है हमारे चैनल पे, जिसमें कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड अब हम लोग परफेक्ट में आ गए हैं। और परफेक्ट में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कल हमने आपको पढ़ा दिया था, एंड आज हम लोग पास्ट परफेक्ट जो है पढ़ेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये चीज़ सीखने को मिले कि इंग्लिश के जो बेसिक फंडा है वो जो भी है हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें, ताकि ये नॉलेज सबको मिले और सभी लोग सीखें। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड देन बाकी जो जो हम सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, परफेक्ट की जो पहचान है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था चुका है, चुके हैं, चुके हैं, और उसी का जो परफेक्ट जो कि जो चीज़ बीत चुका होता है उसके लिए हम था को यूज़ करते हैं। और परफेक्ट को पहचानने की जो है इस तरीके से, देखिए आपको जो भी हमने टेंस है उसमें परफेक्ट का जो है उसको पहचानना थोड़ा सा ज़रूरी होता है, और ये थोड़ा सा आसान उतना नहीं होता, क्योंकि जहाँ पे आ था, ई थी, ए थे, की, लिया था, दिया था, किया था, उस ये चीज़ हमको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है, ठीक है। तो हमारी ये पहचान हो गई, ओके, लिया था, दिया था। ध्यान रखिएगा कि इस तरीके की सेंटेंस हो गई। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फार्मूला जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रहे कि जितना परफेक्ट के टेंस है उसमें जो वर्ब की फॉर्म होगी हमेशा थर्ड लगेगी, चाहे वो प्रेजेंट हो, परफेक्ट प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, ठीक है। तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, सिर्फ जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ध्यान रहे, कहीं भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे सेंटेंस में समझ जाइएगा कि ये परफेक्ट टेंस है, ठीक है। देखिए, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और अगर नेगेटिव बनाना तो मैंने हमेशा आपको बता रखा है कि तीसरे नंबर पर नॉट लग जाएगा, बाकी सेंटेंस वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैड पहले आ जाएगा, सब बाकी सेंटेंस वही रहेगा, हैड पहले आ जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो हमारी पहले आ जाती है, ठीक है। मैंने आपको तीनों कंप्लीट कर दिया, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, और इंट्रोगेटिव भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यही तीनों अक्सर हर जगह देखने को मिलते हैं, जहाँ तक कि आपको समझ में आ जाएगा, कहीं भी आप देखोगे। तो देखिए, हैड आपको यूज में बता दे रही हूँ कि जितना भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वहाँ पे सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है, या प्लूरल एंड सिंगुलर में अलग अलग दो सेंटेंस होते हैं, बट ये जो हैड है ना, ये सिर्फ हैड ही रहेगा, और ये हैड दोनों में यूज होगा, चाहे वो हमारा सिंगुलर चाहे हमारा प्लूरल हो। तो ये आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जा रहा है, इसमें सिर्फ हैड रहेगा और इसमें पहचान के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो जो हैड है बहुत इजी हो गया, हमको दिमाग कहीं नहीं लगाना है कि सिंगुलर में क्या रहेगा, प्लूरल में क्या रहेगा, एक ही सेंटेंस है हैड, और इसी का दोनों में यूज होगा, ठीक है। मैंने इजीली तरीके से बता दिया, ओके। हम लोग एग्जांपल देखते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ओके। देखिए, एग्जाम्पल है हमारा, मैं समझ चुका हूँ, ठीक है, मैं समझ चुका हूँ, ओके, आई अंडरस्टैंड, ओके, या क्योंकि आई अंडरस्टैंड हम कहते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग को लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अंडरस्टैंड की जो थर्ड फॉर्म होगी होगी अंडरस्टूड, आपने हर कई जगह ये चीज़ आपने देखी होगी। तो आई हैड अंडरस्टूड, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था हैड लगेगा, तो आई हैड अंडरस्टूड, ये हमारा क्लियर हो गया। और जैसे कि मेहमान आ चुके थे, ठीक है, मान लीजिए किसी साथ बात कर रहे थे तो उस टाइम बोलोगे उस टाइम मेहमान आ चुके थे, तो गेस्ट हमें यहाँ द भी लगा सकते हैं, ओके, द गेस्ट हैड अराइव्ड, ठीक है, अराइव्ड, ठीक है। तो ये मेहमान के आने के लिए हम लोग इस सेंटेंस का यूज करते हैं, ठीक है। अब हमने किताब पढ़ा था, ठीक है, हमने किताब पढ़ा था, तो वी हैड रीड बुक, ठीक है। देखिए, रीड का जो थर्ड फॉर्म होगा ये हमारा ये रीड ही रहेगा, बस इसको पढ़ने का तरीका बदल जाता है, रीड रेड रेड, ठीक है, बाकी स्पेलिंग यही रहती है, ठीक है। तो हमने किताब पढ़ा था, वी हैड रीड बुक, ठीक है, ईजिली हमारा हो गया। एंड हमने घर खरीद लिया था, ठीक है। अब हमने बताया था ना कि लिया था, ली दिया था, आ था, ई थी, तो पढ़ा था में आ लग गया और था लग गया, तो पहचान हमारी हैड और रीड हो गया, ठीक है। हमने घर खरीद लिया था, अब लिया था, दिया था, यहाँ पे भी हमारा हैड लगेगा, तो यहाँ देखिए थर्ड फॉर्म में हमारा ईडी लग जाएगा, आई हैड परचेस्ड द हाउस, ठीक है, ईजिली आपको समझ में आ गया होगा। वह हंसा था या फिर हंसा था, तो उसको देखिए हमने आपको यहाँ पे लिख रखा है कि हंसने को हम लोग कैसे बदलते हैं, तो लॉफ एंड यहाँ पर ईडी लग जाएगा और थर्ड फॉर्म में भी ईडी लग जाएगा, ठीक है। हम कई बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जहाँ पे ओनली ईडी से ही काम चल जाता है, और ये आपको बिना पढ़े बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। देखिए, वह हंसा था तो ही हैड लॉफ्ट, ठीक है, ये बहुत ईजी था,
आशा करती हूँ कि आपको पूरा समझ में आया हो, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, और चलिए हम लोग इसका होमवर्क देते हैं, क्योंकि होमवर्क अगर आप करेंगे, अगर आप मेरा वीडियो देखने के बाद तुरंत अगर होमवर्क करते हैं, तो आपको आपको इससे अच्छा समझ कहीं नहीं आ सकता है। क्योंकि अगर आपने तुरंत कोई दूसरा क्वेश्चन करते हो उस चीज़ को समझ के, तो आपके दिमाग में बहुत जल्दी आता है, भूलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो चलिए हम लोग होमवर्क देखते हैं। ये हमारा होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क हो गया हमारा। पिताजी उसे पीट चुके थे। देखिए मैंने यहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म लिख रखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये मैंने फॉर्म आपको लिख रखी है, ठीक है, ताकि आपको कठिनाई ना हो, ठीक है, इसके लिए मैंने आपको आसान कर दी है। तो देखिए बहुत ही मैंने छोटा बहुत ही कम दिया है आपको होमवर्क, तो प्लीज़ इसको आप लोग कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम देखें किसका मिस्टेक हो रहा है, कौन कर रहा है। इससे आपको ही आपके लिए बेनिफिट है, आपके लिए ही मैं इतना कर रही हूँ, ठीक है। पिताजी से पीट चुके थे, हमने सोले मूवी देख लिया था, ठीक है, हमने कल खाना नहीं खाया था, मैंने 10 पास कर ली थी, हमें पैसे दे चुके थे, ठीक है, राजा शिकार पर जा चुका था, मयंक सो लिया था, ठीक है, तुम आराम कर रहे थे। इस टाइप के सेंटेंस मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, प्लीज़ आप इसको ज़रूर करिएगा। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो एक बार कोशिश ज़रूर करिएगा, अकेले में करिएगा, किसी से हमने शर्म आ रही है किसी को मत दिखाइएगा, ताकि कहीं ना कहीं आप करते हो तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आता है कि हम मुझे आ गए हैं। टेंस सीखना आपके लिए, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, एंड टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।